इलेक्शन आयोग जब एगो हजाम जाति के आदमी सामाजिक विद्रुपता के लेके वो दौर में जब न सोशल मीडिया रहे न अखबार रहे न टेलीविजन रहे न रेडियो रहे कौन ऐसा कलाकार रहे खुद भिखारी सूत्रधार के भूमिका में आवस ऐसा ऐसा सामाजिक विषय के उठावस अपना नाटक में तो कल्पना जी के स्वर में एगो और गाना जाना में राधा कृष्ण के रासलीला के माध्यम से समाज के प्रेम के पति पत्नी के प्रेम देख सकते हैं जो प्रेम बटे के एगो नया परिभाषा देवल गई बटे आवाज बा कल्पना जी के दर्शक लोग से आग्रह करें कि पूरा गंभीरता से जो आंदोलन के आज शुरुआत हो रहा बा जो कल्पना जी कहनी है कि जब बढ़िया काम करें तो उनका पीछा वो भीड़ ना हुई जो उनका गलत काम करें तो ठीक हो तो गलत बात नहीं है सांस्कृतिक अवदान बाटे संस्कृति व गंगा के पानी पर अगला आवाज राधे सम बहार नाटक का नाम मैं भी खुद जानने की प्रयास की एक्चुअली वहाँ बहुत अच्छा से भिखारी ठाकुर रचनावली में बहुत अच्छा से लिखा ये गया है कि कैसे जीवात्मा और परमात्मा को राधा और कृष्ण के साथ एक तरह से कंपेयर किया गया है और गोपिकाओं को सांकेतिक भावधारा में ऐसे लिखा गया है और हालांकि बात तो रासलीला की ही है वो रासलीला असम में भी होता है असम में हम लोग अंकिया नाग भावना भावना जैसे बंगाल में जात्रा पार्टी होती है यहाँ रामलीला होते हैं और असम में भी वही राधा कृष्ण है फिलहाल भिखारी ठाकुर जी किस तरह से छेड़छाड़ की भावी है वहाँ पर कैसे कान्हा रोक रहे हैं गोपिकाओं को
तो सारे तेरे घर के बैल बिक जाएंगे, मोती के मान जही छू हो नंदलाल, तुमसे गरीब ग्वाल कहां ऐसे पाएंगे, हीरा के हार तुम पकड़त हो बार बार, सारा घर बार बाजार में बिक जाएंगे, अब कमरे के ओढ़न हार बोलत हो बार बार, मोक संभार बोलना तो पाछे पाछे सारी लाख लाख के मंगवा दो, एक मोती के माला तुम्हारे गले में सोए, कहो तो मोती के समुद्र